हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी इक्वल्स टू 10 सी एम कॉमा सी डी इक्वल्स टू 24 सी एम एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सी एम। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ऑप्शन ए 13 सी एम, बी 169 cm, सी 26 cm एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पूछा जा रहा है। एक सर्कल है जिसके अंदर ए बी 10 cm है, कॉर्ड उसका, कॉर्ड मीन्स जीवा होता है। ठीक है, तो उसका एक कॉर्ड है 10 cm एंड सेकेंड वन जो सी डी है वह है 24 cm और ए बी हमारा जो पैरेलल है वह सी डी का है। तो इन दिस केस और ए बी और सी डी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 17 सी एम, तो इस केस में जो है सर्कल का रेडियस क्या होगा। सर्कल का रेडियस क्या होगा तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आरआरबी 2014 में, ये पूछा गया था आरआरबी में, लोको पायलट में 2014 में ये पूछा गया था। तो सबसे पहले हम सर्कल एक ड्रा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी केसेस सर्कल के अंदर ही हैं। तो हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये हमारा सर्कल है, सर्कल हमने ड्रा किया और ये सर्कल का केंद्र है। अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि उसका एक कॉर्ड है 10 cm। ठीक है, तो 10 cm एक कॉर्ड है, ए बी इक्वल्स टू है 10 cm, ये हमारा 10 cm है। अब इसका नेक्स्ट कोड है 24 cm, सी डी 24 cm इसका नेक्स्ट कोड है, जो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, सी डी हमारा जो ए बी के पैरेलल है। गिवेन ए बी इक्वल्स टू, ए बी पैरेलल इक्वल्स टू सी डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ए बी एंड सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 17 cm। ठीक है, ए बी एंड सी डी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 17 cm। अब हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, यानी कि आर, जो सर्कल का आर है रेडियस, उसे फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हम, अब देखिए हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 17 cm, तो केंद्र से, केंद्र से जो हमारा हम पहले एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाता है। और इसका अगर 17 cm है तो इन दिस केस केंद्र से एक तरफ हो जाएगा 17 माइनस एक्स, ठीक है, और एक एक और हो जाएगा x। ठीक है, अब जो हमारा ए बी है 10 cm दिया हुआ है, ठीक है, एंड सी डी है 24 cm, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 10 का हाफ हो जाएगा 5 cm एंड 24 का हाफ हो जाएगा 12 cm। हमने नाम दे दिया, केंद्र जहाँ पे है उसका नाम हमने वो दिया, ठीक है, और एन दिया, फिर जहाँ 24 cm है उसको हमने हाफ किया तो वहाँ एम नाम दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दो ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ एम डी में ओ डी स्क्वायर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, है ना। तो ओडी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी, प्लस एम डी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन वन। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल, अब हम लोग ट्रायंगल देखते हैं ओ एन बी में। ओ एन बी में, तो ओ एन बी में ओ बी स्क्वायर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ठीक है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ये साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर यानी कि ओ बी कितना है, ओ बी हमारा क्या है आर है, ठीक है आर हमें ही फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन कितना है, ओ एन आपका है 17 माइनस एक्स सी एम, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एन कितना है तो 5 सी एम, ठीक है ए बी 10 सी एम टोटल है तो बी एन 5 सी एम, तो 5 का स्क्वायर ये इक्वेशन हो गया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं तो इक्वेट अगर करते हैं इक्वेशन को तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बचेगा। नेक्स्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 इंटू 70 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 17 इंटू 2 इंटू एक्स 34x माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया इक्वेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बचेगा, 34x इक्वल्स टू 289 प्लस 25 माइनस 144 माइनस 144, ठीक है। अब जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 289 प्लस 25 माइनस 144, तो इसको रफ में आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 170 इसका वैल्यू आएगा यानी 34x इक्वल्स टू 170। इसलिए हमारा जो x हो जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू 170 बाय 34, तो ये कितना बार में कटेगा 34 यानी कि 5 टाइम्स, x इक्वल्स टू कितना आ गया 5, x इक्वल्स टू 5। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि r हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन वन में हम जाते हैं, ठीक है पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन वन, तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन वन, देन r स्क्वायर इक्वल्स टू x का वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी कि r स्क्वायर इक्वल्स टू 169। इसलिए r इक्वल्स टू रूट ओवर 169 इक्वल्स टू 13, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो इसलिए r हमारा आंसर होगा 13, ठीक है r का वैल्यू हमारा आ गया 13, जो हमारा सर्कल का रेडियस है r वह 13 होगा। तो ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 13 cm, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 13 cm, ठीक है। इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 13 cm, ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी इक्वल्स टू 10 cm सी डी इक्वल्स टू 24 cm एंड ए बी पैरेलल सी डी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 cm, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 13 cm। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज, थैंक फॉर वॉचिंग।